सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 अपने दूसरे हफ्ते में भी करती जा रही है रिकॉर्ड तोड़ कमाई और ऐसा लग रहा है कि अब तो गदर 2 के फाइनल कलेक्शन 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने के बाद ही रुकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के भी अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो रजनीकांत की जेलर फिल्म के भी सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में, तो पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सलार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों 5 भाषाओं में रिलीज हुई जेलर फिल्म दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है और फाइनली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अगर बात करें जेलर के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 278 करोड़ का किया था। वही फिल्म ने 11वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 18 करोड़ रुपए किया। वही दोस्तों ये फिल्म अपने 12वें दिन लगभग 12 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही और इसी के साथ जेलर फिल्म का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन 308 करोड़ का हो चुका है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 367 करोड़ 367 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 174 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ जेलर का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है वो हो चुका है 541 करोड़ का। जी हां दोस्तों, जेलर फिल्म दुनिया भर में 541 करोड़ की कमाई के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के अपकमिंग फिल्म जवान के बारे में, तो दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान जिसकी एडवांस बुकिंग को ओवरसीज मार्केट में कुछ दिनों पहले शुरू किया था और फिल्म को एडवांस बुकिंग में जिस तरह का जबरदस्त रिस्पांस मिला है वो कहीं ना कहीं उनकी पिछले फिल्म पठान से भी बेहतर है। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान ऑलरेडी 2023 में पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं, लेकिन यहां पर जवान को जिस तरह का एडवांस बुकिंग में रिस्पांस मिला है उसे देखकर यह लग रहा है कि जवान पठान से भी कई कदम आगे जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जवान की जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक हिंदुस्तान में तो नहीं शुरू हुई है, लेकिन विदेशों में फिल्म को एडवांस बुकिंग में काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति की फिल्म जवान ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से एडवांस बुकिंग में ही 5,21,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। जी हां दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में अभी 15-17 दिन बाकी है, लेकिन फिल्म ओवरसीज मार्केट से एडवांस बुकिंग ही 5,21,00,000 रुपए का कर चुकी है, जो कि वीकेंड की बुकिंग है। तो दोस्तों फिल्म को एडवांस बुकिंग में इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है, तो सोचिए कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने खतरनाक कलेक्शन करने वाली है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2023 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म सलार के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, जो इससे पहले KGF सीरीज जैसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज दे चुके हैं। अब इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास और उनके साथ पृथ्वीराज, सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हसन देखने को मिलेंगे। फिल्म का टीजर कुछ महीने पहले रिलीज हुआ था और टीजर को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिला और टीजर ऑलरेडी लोगों के दिल में जगह बना चुका है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सलार का जो ट्रेलर है वो कब रिलीज होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर सलार के ट्रेलर को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभास की फिल्म सलार का जो ट्रेलर है वो रिलीज किया जा सकता है 3 या फिर 5 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, 5 या 3 सितंबर को सलार का जो ट्रेलर है वो रिलीज कर दिया जाएगा और ट्रेलर की जो अनाउंसमेंट है वो होने वाली है 25 सितंबर को, यानी कि आज से 3-4 दिन बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि सलार का जो ट्रेलर है वो 3 सितंबर को आएगा या 5 सितंबर को। लेकिन इतना कन्फर्म है कि सलार का टीजर आपको सितंबर महीने के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में कम से कम 150 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के हीरो पर ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन अब अगर बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अक्षय कुमार की OMG 2 फिल्म दूसरे हफ्ते में भी रुकने का नाम नहीं ले रही और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी काफी शानदार कमाई की, जिससे यह साबित हो जाता है कि अगर फिल्म अच्छी है तो उस फिल्म को भले कम स्क्रीन पर रिलीज करो, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई
कमाई कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर OMG2 ने अपने शुरुआती 10 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 113 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया। वही ये फिल्म अपने 11वें 4,50,00,000 रुपए की कमाई कर गई और इसी के साथ OMG2 का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन 118 करोड़ का हो चुका है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 141 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से लगभग 25 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इसी के साथ OMG2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 166 करोड़ का हो चुका है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग हासिल कर चुकी है। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने जा रही फिल्म गदर 2 के कलेक्शन के बारे में, तो अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर 2 जिस फिल्म में सुपरस्टार सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म को सिनेमाघरों में दूसरा हफ्ता भी काफी जबरदस्त रहा और फिल्म ने जिस तरह पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी उसी तरह फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन भी काफी शानदार रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर गदर 2 ने अपने शुरुआती 10 दिनों के अंदर ही इंडिया से नेट कलेक्शन 375 करोड़ 10 लाख रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने अपने 11वें दिन भी ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 15 करोड़ का किया और इसी के साथ गदर 2 का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 390 करोड़ का हो गया। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 464 करोड़ रुपए। बता दें फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 40 करोड़ रुपए कमाए और इसी के साथ गदर 2 का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है वो 504 करोड़ का हो चुका है। जी हां दोस्तों, गदर 2 दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हालांकि अब देखते हैं दोस्तों कि यहां पर गदर 2 का जो फाइनल कलेक्शन है वो कहां तक जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, गदर 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना होगा, 700 करोड़, 800 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।